What a crazy movie that was, man. Like, kitni zabardast movie thi. Yes, I am talking about The White Tiger. On the day, जब मैंने अपनी philosophy of villain वाली वीडियो अपलोड की, उस दिन मेरे को मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि तू ये मूवी देख द व्हाइट टाइगर. मैं गया क्रोम पे और मैंने चेक किया कि क्या मूवी है, कैसी मूवी है. तो मेरे को पता चला अभी रिलीज हुई है, नेटफ्लिक्स पे है. सो मैं गया नेटफ्लिक्स पे और देखने लगा. और ये मूवी बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव थी. मतलब मैं एक जगह पे बैठा, वो पूरी मूवी खत्म करके ही उठा. और जो एक कॉल आया था उसके टाइम पे जरा सा उठा था बस, बाकी कुछ नहीं. मैं पूरा टाइम एक ही जगह पे बैठा था. लाइक मूवी वॉज सो डोप. और जिसने मेरे को मूवी सजेस्ट की उसका नाम अंकित है, बाय द वे. अंकित का एक चैनल है यूट्यूब पे, 38 सेंटेंस करके. वो तीन जनों का ग्रुप है, उसमें एक वो मेंबर है. सो उसके लिंक, चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेकआउट कर लो. मस्त कंटेंट बनाते हैं वो लोग. सो दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो. मैं इस मूवी में रिव्यू करने जैसा कुछ है नहीं. मूवी बहुत डोप है. बट मैं ये तुम लोगों को रिकमेंड, मैं इस मूवी को ब्रेक डाउन एनालिस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. बट और भी वैसे भी बहुत लेट हो चुकी है. बहुत 2 वीक्स पहले ये मूवी रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे और मैंने देखी भी नहीं थी. बाय द वे अच्छी मूवी, अगर तुम लोगों ने देखी नहीं तो देख लो. और यहाँ पे स्पॉइलर वार्निंग, अगर किसी ने मूवी देखी नहीं है तो वीडियो यहीं पे वॉच लेटर पे डाल दो और मूवी देखो और फिर इस वीडियो पे आना. हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, मतलब मैं डिस्कस करूंगा अभी. गए सो अभी हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं. जिन्होंने मूवी देखी नहीं वो अभी जा चुके हैं. अभी हम लोग शुरू करेंगे रियल वीडियो को. मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, लाइक स्टोरी कॉन्सेप्ट, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डिजाइनिंग. बहुत कुछ है इस वीडियो में. सो तुम लोग समझना इस वीडियो को और आराम से देखना. नीचे टाइम स्टैम्प भी डाले रहेंगे. सो वैसे तुम लोगों को जो पार्ट स्किप करना है वो स्किप कर सकते हो तुम लोग. बट आई रिकमेंड यू टू वॉच द फुल वीडियो बिकॉज पूरी वीडियो में ही ज्यादा मजा आएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. मूवी का कॉन्टेक्स्ट कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल आइडिया. देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक जिनका पेट फुला हुआ है और दूसरे जिनका पेट खाली है. लाइक रिच एंड पुअर वाली स्टोरी है. बट ये जो मूवी है वो पुअर बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई है. एंड या मुझे भी स्टार्टिंग में स्लमडॉग मिलियनेयर वाला ही वाइब्स आया था. बट आगे आगे जैसे बढ़ते जाओगे ये बहुत मूवी डार्क बनती जाती है. लाइक अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है मूवी. ऑल द वे मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है बट ऑल्सो बहुत रियलिस्टिक भी है. हम लोग ये चीजें डे टू डे लाइफ में देखते हैं, नोटिस करते हैं, बट हम लोग उसके बारे में कुछ करते नहीं. ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लेकर ये मूवी बनाई गई है. इस मूवी का कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लोग उस कॉन्टेक्स्ट को ही समझ नहीं पाओगे तुम्हारी मूवी कुछ भी पल्ले में नहीं पड़ेगी. बहुत सी अलग अलग चीजें होती है मूवी में, बट इसको तुम लोगों को सिर्फ एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक गरीब के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी को देखते जाना है. और फिर जब आगे आगे बढ़ती जाएगी स्टोरी तब तुम लोगों को हिट कर जाएगी वो चीजें, हर एक चीज. इट्स लाइक अ प्रॉपर हॉलीवुड आर्ट मूवी. जैसे याद है तुम लोगों को पैरासाइट, याद है पैरासाइट कोरियन मूवी है. पैरासाइट जैसी ही कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही अलग लेवल पे ये कॉन्सेप्ट है. मैंने पैरासाइट देखी नहीं बट मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि हाँ पैरासाइट जैसी लग रही है मूवी थोड़ी बहुत. तो इसलिए मैं तुम लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं पैरासाइट देखने वाला हूँ. अभी डाउनलोड करके रखी है मैंने. आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. मेन पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज नरेशन. जो नरेशन उस बंदे ने किया है ना, माँ कसम इतना जबरदस्त नरेशन किया है उस, जो आदर्श गौरव जो बलराम का जो मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं उनका आवाज उस पर इतना सूट कर रहा है. मैंने ये मूवी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देखी और हिंदी में ज्यादा अच्छा वाइब्स आ रहा है. बट डब में थोड़ा सा मतलब लिपसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है बस, बाकी तुम लोग सुनने में आ जाओगे तो मूवी बहुत तगड़ी लग रही है. और जो दूसरा पार्ट होता है स्टोरी टेलिंग का वो होता है सिनेमेटिक स्टोरी टेलिंग, जिसको मैं डायरेक्टर को क्रेडिट देना चाहूंगा. डायरेक्टर रमन बहरानी ने जबरदस्त स्टोरी टेलिंग की है थ्रू ही सिनेमाटोग्राफीज एंड ऑल डायरेक्शन एंड ऑल. देयर वाज अ सीन जब दो मेन कैरेक्टर्स मंदिर गए थे. गरीब जो होता है वो चिल्लर डालता है दान पेटी में, हम लोग दान पेटी बोलते हैं ना, उसमें एक चिल्लर डालता है. और जो अमीर आदमी होता है वो 500 रुपया डालता है, 500 रुपये की नोट. सो इसी तरह उन्होंने वो एक सीन को ऐसे क्रिएट किया जाकि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन दिख सके. यार एक सीन, एक बस 3 सेकंड का सीन इतनी बड़ी चीज दिखा देता है वो स्टोरी टेलिंग कर रहा है. लाइक माँ का समझा, मेरे तो ऐसे वैसे दिमाग में ये आ गया भाई क्या सीन दिखाया उसने वो. और ऐसे भी बहुत सारे सीन्स है. एक टाइम पे ना कुछ डायलॉग्स भी ऐसे है लाइक वो बोलता है जो ये बलराम करके जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि सर मैं आपका सर फोड़ना चाहता हूँ और आपके पैसे लेके भाग जाना चाहता हूँ. उसके रिप्लाई में राजकुमार और रिप्लाई देता है आई नो तुम्हें तुम्हारे फैमिली की याद आ रही है. लाइक क्रेजी मैन, इतना क्रेजी कौन सोच सकता है इस डायलॉग के बाद. मतलब ऐसे और 2-3 डायलॉग है जिसपे मतलब अलग ही रिप्लाई आ रहा है एंड
इट्स लाइक अ मुझे पता नहीं वो नरेशन था या क्या था, मुझे समझ में नहीं आया उस टाइम पे, बट कैसे हिट किया मुझे पता नहीं, बट ये चीजें मैंने बहुत नोटिस की. द स्टोरी अफेक्ट्स द स्टोरी टेलिंग मोस्ट, ऐसा मेरा मानना है. लाइक अगर स्टोरी खराब होगी तो स्टोरी टेलिंग अच्छी करके कोई फायदा नहीं है. बट स्टोरी का क्रेडिट अगर दूं तो एक तुम लोगों को बुक है वाइट टाइगर करके सेम नाम से, जो लिखी है अरविंद अडिगा जी ने, और वो मैं बुक अभी तक पढ़ी नहीं है बट मैं लाने का कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ अमेजन वगैरह पे किधर मिल रही है क्या, मैं लाऊंगा और पढ़ूंगा. बुक मस्त रहेगी क्योंकि अगर इतनी इंटेंस मूवी बन सकती है एक बुक पे तो बुक भी बहुत इंटेंस होगी प्रोबेबली. सो या मैन, दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट द स्टोरी टेलिंग पार्ट. नाउ टॉक अबाउट एक्टिंग परफॉर्मेंस. तो एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स थे, आदर्श गौरव का, राजकुमार राव का और प्रियंका चोपड़ा का. प्रियंका चोपड़ा का रोल बहुत ही मतलब डल टाइप था, लाइक उसका वो ग्लैमर वाला पार्ट था उधर, बट वो आर्ट मूवी में ज़्यादा चला नहीं, उसके एक्सप्रेशन में भी बहुत सारा फर्क पड़ रहा था मुझे उसमें, वो वाइब्स नहीं आ रही थी जो उसके बाकी मूवीज में आती है. शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, आई एम नॉट सेइंग कि उसने कुछ गलत किया, बट उसका ये जो पार्ट है मतलब उसमें जो दिखाने की कोशिश की जा रही थी वो उसके लिए बना नहीं था ऐसा लग रहा था मेरे को. ऑल द वे शी कम्स फ्रॉम हॉलीवुड एंड ऑल, बट नहीं, मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम लग रहा था कंपेरेटिव टू बाकी सब. लाइक आदर्श गौरव, उसका फर्स्ट मेन कैरेक्टर मूवी था शायद, मुझे पता नहीं, उसके मैंने ज़्यादा मूवीज देखी नहीं है, बट ये मूवी में उसने जो काम किया है माँ कसम इतना जबरदस्त किया है ना, इट्स लाइक मैंने उसको फर्स्ट टाइम ऐसे प्रीमाइस पे देखा और उसने पूरी जान लगा दी उस एक्टिंग में और वही खत्म उस. और द वे राजकुमार राव वो भी तो साथ में थे उसके, और इसलिए उसने और भी ज्यादा उस पर प्रेशर तो था, बट उसने प्रेशर के वजह से बहुत अच्छी एक्टिंग की. राजकुमार राव के बारे में मैं क्या कमेंट करूँ यार, वो एक लेजेंडरी एक्टर है सबको पता है, बट उसका भी कैरेक्टर जितना डल था उससे उसमें उतनी ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है. लाइक बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग, सब ने एक्टिंग जबरदस्त की है. इवन तो महेश मांजरेकर क्या डोप एक्टिंग की है. छोटा सा रोल था बट बहुत अच्छा किया, बहुत क्लीन रोल था. थोड़ा बहुत ऐसा मतलब आ रहा था, गुस्सा आ रहा था उस कैरेक्टर के बारे में, इसलिए मुझे अच्छा लगा वो रोल की अच्छी एक्टिंग की है. नाउ कम टू द कैरेक्टर डिजाइनिंग. लाइक हम इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट मेन टू कैरेक्टर्स, एक बलराम और दूसरा अशोक. लाइक बलराम जो है वो आदर्श गौरव का रोल था और अशोक जो है वो राजकुमार राव का था. बलराम का जो कैरेक्टर था वो जो बचपन के एज से ही बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर दिखाया गया था, और वो चीज उसके कैरेक्टर को बाद में जाके बहुत ज्यादा अफेक्ट की, लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उसके लिए. वो चीजों को फास्टली ऑब्जर्व करता था और बाद में अपने ऊपर अप्लाई करता था, वो भी एकदम सटल वे में. Also, he's that kind of character जिसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. We can't say that कि उसने अपनी गरीबी का रिवेंज लिया, और ना ही उसको हम लालची बोल सकते हैं क्योंकि उसने अपने पैसों को बहुत ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया, और बहुत से लालची कैरेक्टर्स के केस में बहुत कम देखा जाता है. अशोक वो सेकेंड मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, उसका मेन कैरेक्टर होके भी उसने ज्यादा कुछ नहीं किया. लाइक वो बहुत ही प्रॉपर NRI टाइप कैरेक्टर था, अमेरिके से हुआ, बहुत बड़े बाप का लौंडा टाइप कैरेक्टर्स था उसका. उसको डायरेक्टर ने बहुत ज्यादा मेन कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की गई, बट ऑल्दो वो दिख रहा था, मेन कैरेक्टर दिख रहा था बट उतना प्रॉपर वे में नहीं दिख रहा था. वो एंड में मतलब एकदम ऐसे बीच बीच में वो एकदम ऐसे सॉफ्ट हार्टेड कैरेक्टर बन के रह गया. ऑल्दो वो भी अपनी लाइफ से खुश नहीं था, लाइक जस्ट लाइक बलराम. उसका ना अपने बाप के आगे ना कुछ चलता था ना अपने भाई के आगे. ऑल्दो उसको अपनी बीवी भी छोड़ के चली गई थी, जो प्रियंका रोल का रोल था वो सब. जब तक वो चीजें कोई और कर रहा था वो तब तक जस्टिस का मसीहा बना हुआ था, गरीब लोगों का मसीहा टाइप, बट जब बात उसके खुद पे आई, खुद के फैमिली पे आई, वो पलट गया. अभी मेन सवाल बहुत लोगों ने कोरा पे भी क्वेश्चन थे, और बहुत लोगों को अभी सवाल भी पड़ रहेगा इस मूवी के बाद, देखने के बाद, कि हीरो और विलन कौन है इस मूवी में, हीरो कौन था और विलन कौन था. बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये. लाइक मैं भी बहुत बार सोचने के लिए, इसलिए मैं सेकेंड टाइम हिंदी में मूवी देखी ताकि मैं उसको समझ पाऊँ. मैंने जब सेकेंड टाइम मूवी देखी ना, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नोटिस की. ये जो स्टोरी राइटर है ना, दे वॉन्ट अस टू प्रेडिक्ट कि हीरो कौन है और विलन कौन है. मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया था फिलोसॉफी ऑफ विलन में, कि सामने वाले के जूते में रहकर खड़े होकर देखो कौन विलन है और कौन हीरो. यही सेम केस है, तुम दोनों अपने अपने जगह पे खड़े होकर देखो, वो दोनों हीरो दोनों ही हीरोज थे. अगर तुम लोग
अगर बलराम बलराम को अपनी गरीबी को हटाने के लिए कुछ अच्छा बड़ा काम करना था, इसलिए उसने उसका खून करके अपने पैसे लिए, पैसे ये कर लिए, और ऑल्दो वो अपने सर्वाइवर के लिए अपने पैसे जमा कर रहा था, और उनके लिए 40 लाख तो बहुत छोटी रकम है ऑल द वे, उसने जो चुरा के लेके गया उसमें से, वही ना सर्वाइवर के लिए उसके बहुत छोटी रकम थी। हम लोगों को खुद प्रेडिक्ट करना है कि कौन हीरो है और कौन विलन है, तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो इसमें हीरो और विलन कौन है। ऑल्दो जो एंड में जरा भी जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, कोई भी कैरेक्टर को जस्टिस नहीं मिला, दैट्स अ गुड थिंग। लाइक ये मूवी मुझे ऐसी चाहिए थी, लाइक हाँ मैं कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रहा था कि भाई इसको जस्टिस मिल जाए, बट इन दी एंड किसी को जस्टिस नहीं मिला, एंड दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। लाइक जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा अलग हुआ, बट अच्छा था वो चीज़ भी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू एंजॉय। सो इफ यू एंजॉय द वीडियो देन स्मैक दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट योर ओपिनियन तुम्हें कैसी मूवी लगी, और वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी द नेक्स्ट वन। गुड बाय, पीस आउट।